आज मैं आपके लिए बहुत मज़े के बहुत यूनिक से मूंग दाल के कटलेट्स बनाने जा रही हूँ। तो आए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं और ये कैसे बनते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा इमरान फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ मूंग दाल की स्पेशल रेसिपी, मूंग दाल की टिक्कियाँ। ये तकरीबन दो प्यारी मूंग की दाल ली है मैंने, और दो छोटे छोटे साइज़ के मैंने आलू, दोनों चीज़ें मैंने बॉईल कर ली और इकट्ठी ही बॉईल की थी मैंने, क्योंकि दाल को बहुत ज़्यादा नहीं आपने गलाना और आलू को भी बहुत ज़्यादा नहीं गलाना। तो ये हो गया। इसमें मैं एक मैंने साइज़ की प्याज डाल रही हूँ, बहुत बारीक चॉप की हुई है मैंने। उसके अलावा धनिया, पुदीना और दो से तीन हरी मिर्चें बहुत बारीक बारीक काटी हुई हैं। ये मैं कैबेज यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा ये हरा प्याज, ग्रीन अनियन, अगर आप चाहें तो कोई और सब्ज़ी भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये वेजिटेबल के साथ, जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स आप यूज़ करेंगे उतना अच्छा आपका आपकी ये रेसिपी बनेगी। और तो यानी कि अपनी पसंद की जो मर्ज़ी आप रेसिपी, जो मर्ज़ी वेजिटेबल आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके मसालों में जाएंगे ये हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला और क्वार्टर टी स्पून मैंने चाइनीज़ नमक ली है थोड़ा सा जायके को इन्हेंस करने के लिए। इसके अलावा ये सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर क्वार्टर टी स्पून, वन टी स्पून मैंने लिया चाट मसाला, वन टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा लिया है मैंने, और इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा लिया है साबुत। तो ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी। इसके अलावा ये कॉर्नफ्लोर के मैंने दो से तीन चम्मच लिए हैं, ये मैं हसवे ज़रूरत यूज़ करूँगी। ये एक हमारे बाइंडिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा इन टिक्कियों में। उसके अलावा ये हमारा आम रूटीन का नमक है, ऐसे ज़रूरत ये भी डालें। इसके अलावा मैं एक चिकन क्यूब यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ एक, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम उसमें नमक होता है, थोड़ा सा एक वैरायटी लाने के लिए जाएंगे हमें। तो सबसे पहले मैं चॉपर लूँगी, उसमें मैं आपको मैं दिखा देती हूँ। चॉपर में मैं सिर्फ दाल, आलू, मतलब इसका पानी बिल्कुल निकाल लिया हुआ मैंने दाल का, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए दाल में ना आलूओं में, बिल्कुल सख्त सख्त दाल होनी चाहिए लेकिन गली होनी चाहिए। अगर आप कच्चे दाल के कबाब बनाएंगे तो एक कच्चा पंसा आएगा आपके मतलब मुँह में, तो अच्छा नहीं लगेगा। ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े छिलके नज़र आ रहे हैं आपका आलूओं में। ये चाहेगी क्योंकि नए आलू हैं तो इसमें कोई इतना मसला नहीं होता, कुछ के मैंने उतार लिए हैं और कुछ के मैं रहने दूँगी। ये होगा। इसके अलावा मैं इसमें जो है प्याज, दोनों तरह का प्याज, वो नहीं डालूंगी, और इसके अलावा गोभी भी नहीं डालूंगी, क्योंकि वो वेजिटेबल्स हैं जिनमें अपना पानी होता है, तो अगर मैंने दाल के साथ इनको मैश किया तो वो पानी छोड़ देंगी अपना। धनिया जो है, हरी मिर्च, इसी तरह मैं ये भी नहीं डालूंगी। जब मैं आलू और अपने ये पीस लूँगी, हाँ अलबत्त आप मसाले डाल सकते हैं इसमें ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए आपस में, कॉर्नफ्लोर भी डाल दें और नमक ये भी डाल दें। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और यूज़ करेंगे बाद में। ये मसाले डाल दें और सब कुछ पीस लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि बाकी वेजिटेबल्स हमने कैसे इसमें शामिल करनी है। चॉपर को चला दें, दाल हमारी बहुत अच्छी पीस रही है, लेकिन मुझे ये थोड़ी सी सख्त लग रही है। अगर इस मौके पर अगर आपको तो अपनी दाल थोड़ी सी सख्त लगती है तो अब आप आधी सब्जियां जो हैं वो डाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जो मतलब दाल है बहुत अच्छी तरह से खड़ी खड़ी बनी हुई है, इस वजह से ये सब्जियां जो हैं वो उसको मैश नहीं करेंगी अच्छी तरह से, पानी नहीं छोड़ेंगी उसमें। तो ये डालें, थोड़ा सा पुदीना धनिया भी डाल दें, थोड़ा सा हरा प्याज का जो नीचे वाला वाइट पार्ट होता है ऊपर वाला वो डाल दें थोड़ा सा, इसी तरह हरी मिर्चें भी डाल दें। और अगर बाकी चीज़ें आप चाहें तो बाकी जो बचेंगी चीज़ें वो हम बाद में ज़्यादा से ज़्यादा जायके को इन्हेंस करने के लिए हम डाल सकते हैं।
दाल का और पोटैटो का, आलू का, यानी कि जो हमने मिक्सचर बनाया था वो अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर ली है। जो सब्जियां बाकी बची थी वो भी डाल ली है। तो ये ऐसे, मतलब जब मैं इसको ऐसे टिक्की की शक्ल में लेके आऊँगी तो ये टूटनी नहीं चाहिए, बस ये थिकनेस चाहिए हमें। और हमारी बहुत अच्छी थिकनेस यानी कि तैयार होगी जैसे हमें चाहिए थी। तो अब इसकी मैं टिक्कियाँ बनाकर ऐसे रखती जाऊँगी, इकट्ठी सारी टिक्कियाँ बनाकर उसको फिर मैं शैलो फ्राई करूँगी। जो साइज़ आप रखना चाहते हैं, छोटी बड़ी जैसी भी रखना चाहते हैं रखें। इसको अंडा फेंट कर उसके साथ में इसको शैलो फ्राई करूँगी। अगर आपको लगता है कि इसकी थिकनेस ठीक नहीं है और ये टूट रही है बनाते हुए, तो मैं जैसा मैंने आपको बताया था कि आप इसमें चाहें तो कॉर्नफ्लोर जो है थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरा बहुत अच्छा यानी कि बन गया है जैसा बनना चाहिए था। उसके अलावा अगर आपकी लगे कि आपकी दाल थोड़ी सख्त रह गई है तो आप उसमें एक अंडा डाल सकते हैं उसको चॉप करते वक्त, तब भी वो सेट हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको दोनों ऑप्शंस बता दिए हैं। अगर आपका सख्त हो जाता है तो आप अंडा डाल के ठीक कर सकते हैं, और अगर नरम हो जाती हैं तो आप कॉर्नफ्लोर डाल दें या ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, तब भी बहुत अच्छी सेट हो जाएंगी। इसको मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी और फिर इसको शैलो फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। अब हम चेक करते हैं, बिल्कुल सही, यही हमें चाहिए था कलर। शैलो फ्राई का मकसद यही होता है कि आपकी चीज़ भी अच्छी तरह से बन जाए और बहुत ज़्यादा ऑयल भी यूज ना हो। आप देख सकते हैं कि मतलब हमारी जो कटलेट्स हैं जो टिक्की हैं, कटलेट्स हमारे फ्राई होना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा कलर आया है। शैलो फ्राई करने का मकसद यही होता है कि आपकी चीज़ भी बहुत अच्छी तरह से तली जाए और बहुत ज़्यादा ऑयल भी इस्तेमाल ना हो। आप देख सकते हैं कि मेरे कटलेट्स जो हैं वो बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, ना डालते वक्त ना बनाते वक्त। बस बिल्कुल आपको यही इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, यही थिकनेस चाहिए। इसे शाम 4 बजे की चाय के साथ स्नैक्स के तौर पर भी बहुत खाया जा सकता है, बहुत शौक से। और चाहें तो आप फ्रीज करके रख सकते हैं। हमारा वेज बर्गर का ये तैयार हो गया। मैं बाकी डालूंगी। ये है मेरी आज की रेसिपी, मूंग दाल के कटलेट्स विद वेजिटेबल्स। इसे आप केचप के साथ खाएं या धनिया पुदीने की चटनी के साथ खाएं या चिली सॉस के साथ खाएं, जिसके साथ भी मर्जी खाएं, आपको बहुत पसंद आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, मेरी कोशिश अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल आयशा इमरान फूड रेसिपीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल का बटन भी दबाइए और शेयर भी कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी फौरी आप तक पहुंचे। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।